गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। जो मेरा लेक्चर है वो है एमपी सेकेंडरी के लिए। सब्जेक्ट का नाम है वेब टेक एंड ई-कॉमर्स। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द ई-रिटेलिंग क्या होती है। ई-रिटेलिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग ऑफ रिटेल गुड्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। रिटेलिंग सामान बेच रहे हैं, रिटेलर का होलसेलर नहीं, रिटेल का यूजिंग। ई-रिटेलिंग का मतलब रिटेल का जो सामान है वो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो बेचते हैं, that is called e-retailing. In particular, the internet e-retailing store sell online promotion only for goods that can be sold easily online. Like example, Amazon did for book and CDs etc. The online retailing require loads of display and specification of product to make the viewer have a personal feel of the product and its quality as he gets while physically purchasing in a shop. ई-रिटेलिंग में क्या होता है कि आपने देखा भी होगा अमेज़न के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हम खरीदते हैं और बेचते हैं, मतलब ई-रिटेलिंग ही हो रही है। वहां पर क्या हो रहा है कि जैसे आपने कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो वहां पर एक अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन आपका दिया जाता है प्रोडक्ट का। आप उसको देखते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं रियली देख रहा हूँ। अब कार ऐसी बढ़ती है, पहले क्या होता था, पहले तो आप दो दुकानों पर या तीन दुकान पर घूमकर आ जाते थे, देखते थे, आपने लेकर देखते थे। अब क्या होता है, इंटरनेट पर कुछ बल नहीं है, वहां पर ऐसा लुक एंड फील दिया जाता है जैसे कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आप सामान को रियली देख रहे हैं। और जब वो डिलीवर्ड होता है तो वो एडिटिव होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास क्या ऑप्शन है, उसको रिफंड करने का, आप उसको रिफंड भी कर सकते हैं। ई-रिटेलिंग रेफर्स टू रिटेलिंग ओवर द इंटरनेट। रिटेलिंग का मतलब यही है, रिटेलिंग ओवर द इंटरनेट, रिटेल कर रहे हैं सामान को फिर ओवर द इंटरनेट का यूज करके। थस एन रिटेलिंग इज अ बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल भी काम करता है। रिटेलिंग किस पर काम करेगा, बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर मॉडल पर, दैट एग्जीक्यूट अ ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेसमैन एंड द फाइनल कंज्यूमर। ई रिटेलर कैन बी प्योर प्ले बिजनेसेस लाइक amazon.com और बिजनेसेस दैट हैव इवॉल्वड फ्रॉम द लेगेसी बिजनेस सच एज tesco.com। द रिटेलिंग इज अ सबसेट ऑफ ई-कॉमर्स, थस ई-कॉमर्स इज द मास्टर डोमेन डिफाइनिंग द ई रिटेलिंग ऑपरेशन। ई-कॉमर्स का सब पार्ट है क्या, ई रिटेलिंग। ई-कॉमर्स बहुत लार्ज है, ई रिटेलिंग इसका सब पार्ट है, राइट। तो amazon.com इसका एग्जांपल है, इसका ई रिटेलिंग का एसेंशियल ऑफ रिटेलिंग। ई रिटेलिंग के लिए क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले इंटरनेट जरूरी है। देयर आर सर्टेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, वन मोस्ट कंसीडर दीज कंपोनेंट वेल इन एडवांस बिफोर सेटिंग अप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट। दीज कंपोनेंट आर अट्रैक्टिव B2C पोर्टल। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट बनानी पड़ेगी, वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी, जब ही आप ई-रिटेलिंग कर सकते हैं। या तो आपको ऐप बनानी पड़ेगी अपनी, या आपको मोबाइल, अगर आपको मोबाइल ऐप बनानी पड़ेगी या आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। दूसरा राइट रेवेन्यू मॉडल, और तीसरा पेनिट्रेशन ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट होना जरूरी है। ई कैटलॉग इट इज अ डेटाबेस ऑफ प्रोडक्ट विथ प्राइस एंड अवेलेबल स्टॉक। ई कैटलॉग होता है, ई कैटलॉग में क्या होता है, वहां पर सारे प्रोडक्ट होते हैं विथ प्राइसेस और कितने स्टॉक में अवेलेबल, कितने स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, फॉर ई कैटलॉग। शॉपिंग कार्ट, द कस्टमर सेलेक्ट देयर गुड्स एंड फिल शॉपिंग कार्ट फाइनली एज इन ए रियल स्टोर एट द टाइम ऑफ चेकआउट। द सिस्टम कैलकुलेट द प्राइस टू बी पेड फॉर द प्रोडक्ट, राइट। ऐसा होता है, क्या होता है कि आप सर्च कर रहे हैं सामान को, आपने सामान सर्च करा तो आपकी कहां चला जाता है, कार्ट में चला जाता है। कार्ड में वहां पर वो आपका बिल भी दिखा देता है कि आपको इतना बिल, अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको इतना बिल पेमेंट करेगा। जब आप चेकआउट करते हो तो कार्ड में से निकल के आपके फाइनल सामान में इनवॉइस में ऐड हो जाता है। फाइनली एज इन रियल स्टोर एट द टाइम ऑफ चेकआउट द सिस्टम कैलकुलेट द प्राइस टू बी पेड फॉर द प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट पेमेंट गेट पे आपको पेमेंट गेट भी चाहिए। कस्टमर मे पेमेंट थ्रू ईदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश, पेमेंट मेकैनिज्म मस्ट बी फुली सिक्योर। तो पेमेंट गेट भी फुली सिक्योर होना चाहिए, ये एसेंशियल कंपोनेंट है। सपोर्ट सर्विसेज इन ई-रिटेलिंग, द इलेक्ट्रॉनिक रिटेल बिजनेस रिक्वायर सपोर्ट सर्विसेज एज अ प्रीरिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन। दीज सर्विसेज आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द बिजनेस ऑनलाइन और ऑफलाइन थ्रू आउट द कंप्लीट ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग फेज। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल सपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन बैकबोन, पेमेंट मैकेनिज्म, ऑर्डर फुलफिलमेंट और लॉजिस्टिक। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक रिटेल बिजनेस के सपोर्ट सर्विसेज है। एक तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, राइट। दूसरा पेमेंट आपका मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए। तीसरा ऑर्डर फुलफिलमेंट अच्छा होना चाहिए एंड लॉजिस्टिक आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी कस्टमर ने ऑर्डर करा है तो वो ऑर्डर टाइम पर उसके पास पहुंच जाना चाहिए।
ऐसा ना कि मैंने ऑर्डर करा और ये ऑर्डर देने के बाद मिला, तो वो उसका अफेक्ट नहीं करेगा। एडवांटेज ऑफ ई रिटेलिंग, ई रिटेलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ई रिटेलिंग इधर एज एन एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस और एन ऑलवेदर न्यू स्टार्टअप हैज मेनी एडवांटेजेस। ट्रेडिशनल बैक ब्रिक स्टोर रिटेलर आर प्लेसिंग मोर एम्फेसिस ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक चैनल रिवॉल्विंग इनटू मल्टी चैनल। फायदे क्या क्या? द इलेक्ट्रॉनिक चैनल गिव द एग्जिस्टिंग ब्रिक स्टोर रिटेलर एन अपॉर्चुनिटी टू रीच न्यू मार्केट। ये जो चैनल है ई रिटेलिंग का, जो चैनल है ई रिटेलिंग के थ्रू, एक जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग रिटेलर है जो ऑफलाइन अपना बिजनेस चला रहा है, अगर वो ई रिटेलिंग का यूज करे तो वो लोकल से क्या बन जाएगा? ग्लोबल। लोकल से क्या बन जाएगा? ग्लोबल बन जाएगा। उसकी रीच जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। सपोज एक दुकान आपके मोहल्ले में खुली हुई है तो उसकी रीच कहां तक है? केवल आपके मोहल्ले तक, क्योंकि वहां तक जो जाता है बंदा केवल आपके मोहल्ले तक जाता है। अगर वो इंटरनेट पे आ जाए तो उसकी रीच जो है वो वर्ल्ड वाइड हो जाएगी, कोई भी कहीं भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो पहला फायदा इसका ई रिटेलिंग का। दूसरा, फॉर द एग्जिस्टिंग रिटेलर इट इज एन एक्सटेंशन टू लिवरेज देयर स्किल एंड ग्रो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट विदाउट गेटिंग एल्गोरिथम न्यू बिजनेस। जो एग्जिस्टिंग रिटेलर है वो ई रिटेलिंग का यूज करके क्या कर सकता है? अपना रेवेन्यू बढ़ा सकता है, अपनी ग्रोथ बढ़ा सकता है, ये सारी चीजें वो कर सकता है। और इसको कोई नया बिजनेस नहीं खोलना, अपने बिजनेस पे एक्सटेंड करना, सेम बिजनेस में इसको काम करना है। ई रिटेलिंग ओवरकम्स सम लिमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल द कस्टमर कैन शॉप फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम। ई रिटेलिंग में क्या होता है? अब आपको क्या है कि अगर आप किसी स्टोर पर जा रहे हो, ऑनलाइन स्टोर पर जा रहे हो, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उसकी एक टाइम लिमिट है कि स्टोर जो है वो 9 से 2 ही खुलेगा, 9 AM to 9 PM ही खुलेगा। अब सपोज आपको कोई सामान खरीदना है 9 PM के बाद, तो अब आप क्या करोगे? सुबह में इंतजार करना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ई रिटेलिंग क्या कर रही है? यहाँ पर आपका होम ही आपका वर्क प्लेस हो गया, आपका होम ही आप क्या कर रहा है? वो कंफर्ट दे रहा है किसको? कस्टमर को भी कंफर्ट दे रहा है। उसको क्या करना पड़ रहा है? उसकी शॉप से जाना नहीं पड़ रहा, सारा काम उसके फोन पे बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे सारा काम हो रहा है। द ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, एक दूसरा फायदा ये भी है कि पहले वो सामान जैसे grofer.com है या bigbasket.com है, अब आपको क्या करना पड़ रहा था? अगर आपको पूरे महीने का घर का ही राशन खरीदना है तो आप पहले क्या जाते थे? पहले दुकान पर जाते थे, वहां पे एक पहले सबसे पहले आप एक पर्चा बनाओगे, राइट? पर्चा बोलते हैं ना, राशन कार्ड, राशन पूरा जिस पर डिटेल लिखी जाती है उस पर वो बनाओगे कि कितने का सामान आपका आना है, फिर उसको लेकर आप जाते हो शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर को आप दोगे, शॉपकीपर वो सामान सारा लोड करेगा, उसको फिर आप लेकर आओगे घर पर, ठीक है? तो आना जाना, सामान को लेकर आना, तो अब क्या है ये सारी चीजें? अगर आप रिटेलिंग में देख रहे हैं तो सारी चीजें ग्रॉफर.com क्या है? फ्री है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको काम वहां पर क्या करना है? जाके उसकी साइट पे जाना, साइट पे जाने के बाद लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद आपको उसमें क्या कर देना है? अपना सामान सेलेक्ट कर लेना। सामान जैसे आप सेलेक्ट करोगे सारा का सारा, वो आपकी कार्ड में आ जाएगा। कार्ड में आने के बाद जब आप चेकआउट करोगे तो वो फाइनल हो जाएगा, फिर आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद वो डिलीवरी भी आपको घर पर देगा विदिन 2 और 3 डेज को सारा सामान आपके घर में आ जाएगा। तो वो क्या कर रहा है? आपको बहुत ही आपकी जो आपका जो काम था उसने हाफ कर दिया, जो आपकी मेहनत थी उसने आधी कर दी। आपको सामान सेलेक्ट करना और पेमेंट कर दीजिए, राइट? बाकी काम उसका है, वही सामान लोड करेगा, वही आपके घर पहुंचाएगा, सारी चीज वही करेगा। द ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर दैट ऑल्सो ट्रेसेस द कस्टमर एक्टिविटी ऑन द नेट इनेबल ई रिटेलर टू गेन वैल्यूएबल इनसाइट टू देयर कस्टमर शॉपिंग बिहेवियर। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो ई रिटेलिंग के अंदर यूज होते हैं, वो कस्टमर पर रिसर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट रिसर्च, कि किस कस्टमर को क्या चीज पसंद है, उसका उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, तो वो उनको ई रिटेलर जो है वो फाइंड करते हैं कस्टमर को, उनका शॉपिंग बिहेवियर भी आ रहा है, इस तरह की सर्विस भी वो उनको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सर्विस को यूज करें। द ई रिटेलर चैनल ट्रांजैक्ट ऑल बैरियर ऑफ टाइम एंड स्पेस, राइट? रिटेलर सर्विस मस्ट बी 24/7। जो ई रिटेलर जो होता है, एक तो ऑफलाइन रिटेलर हो गया, एक ऑनलाइन रिटेलर हो गया, दोनों फर्क क्या है? ऑनलाइन रिटेलर 24/7 अवेलेबल है, मैंने बताया। जो आपका ऑफलाइन रिटेलर है वो केवल एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वहां पर अपने स्टोर में या अपने ऑफिस में या अपनी शॉप पर, वो पर्टिकुलर टाइम तक ही रहेगा, उसके बाद वो उसको क्रॉस कर देगा।
लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 24/7 अवेलेबल है. एन ऑर्डर कैन मेक फ्रॉम एनी कस्टमर लिविंग एनी प्लेस एट एनी टाइम ऑफ द डे. कोई भी कस्टमर किसी भी टाइम किसी भी समय पर क्या कर सकता है, गुड को परचेज कर सकता है. ई कॉमर्स चैनल आर डेफिनेटली एफिशिएंट एंड रिटेलर डू नॉट हैव टू पे आवर हाई प्राइस फॉर दिस. अब ऑफलाइन रिटेलर का ऑनलाइन रिटेलर में ये बता गया. ऑफलाइन रिटेलर क्या करता है, अगर वो एक शॉप लेके बैठेगा तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, राइट, वो भी लाखों में बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है यहाँ पर. लेकिन जो ऑनलाइन रिटेलर है अगर उसको देखा जाए उसके कंपेरिजन में उसका जो वैल्यू है वो बहुत लेस होती है, बहुत कम होती है, राइट. शॉर्ट टर्मिंग ऑफ रिटेलिंग जैसे ई रिटेलिंग क्या है, फायदे भी है तो रिटेलिंग के नुकसान भी है. पहला क्या है, इट हैज नो थ्योरेटिकल एंपायर्स विच कैन डू बी द कस्टमर. इट लैक्स एन इमोशनल शॉपिंग एक्सपीरियंस दैट द कस्टमर कैन गेट इन अ पर्सनल शॉपिंग स्टोर. वहां पर लुक एंड फील तो होते ही नहीं है. आप किसी ऑफलाइन स्टोर में जा रहे हो तो वहां पर सामान को चस्पर देखोगे, राइट. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई लुक एंड फील है, कोई इमोशनल टच होता ही नहीं, राइट. इट बीइंग कंटेनर ऑफ इंटेंजिबल मर्चेंडाइज does not provide any support to the customer. These the customer cannot hold small as well या feel or try the product. इसमें क्या है कि आप कोई लोकल फील नहीं होता ना, आपको जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है ना तो वो उसको देख सकता ना टच सकता ना कुछ कर सकता. ऑनलाइन कस्टमर आर रिलेटेड टू पार्ट विद देयर क्रेडिट कार्ड बिल ऑन देयर फेयरिंग दे मे बी मिसयूज. डर रहते हैं जब हम कोई ट्रांसफर जो ट्रांसफर करते हैं तो उनके दिमाग में डर रहता है कहीं हमारी जो डिटेल है वो चोरी ना हो जाए. इट अराइज सिक्योरिटी इश्यूज द कस्टमर आर नॉट क्लियर कन्विंस अबाउट द फुल प्रूफ स्टेटस ऑफ दिस मेथड स्पेशली इन इंडियन एनवायरमेंट. इट प्रोवाइड टू अ लार्ज एक्सटेंट इन पर्सनल सर्विसेज विच द इंडियन कस्टमर आर नॉट एक्सपोज टू दे आर रेदर यूज टू द टेंजिबल पर्सनलाइज. इट इज लैगिंग इन फैमिली शॉपिंग एक्सपीरियंस विच द इंडियन कस्टमर एंजॉय एट द वीकेंड. ये क्या कर रहा है कि फेस्टिव सीजन में आप वीकेंड सीजन में लोग क्या करते हैं, इवन जो पहली रात है तो क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस क्या हो गया, आप खत्म हो गया. आप हर घर की बात मैं कर रहा हूं जितने यहाँ इंटरनेट अवेलेबल है 80% काम आप इंटरनेट के थ्रू होता है. अब वो ना तो बैंक जाते हैं, बैंक से भी सारा काम होता है, उनका ऑनलाइन ही होता है. आप भी सामान खरीदना बेचना है वो भी सब क्या होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, सारा का सारा काम ऑनलाइन नहीं होता. तो ये सब चीजें यहाँ पर इसके फायदे हैं जैसे रिटेलिंग के नुकसान भी हैं. तो व्हाट इज रिटेलिंग, ई रिटेलिंग इज शॉपिंग ऑफ गुड्स और शॉपिंग ऑफ गुड्स यूजिंग इंटरनेट. हम यहाँ पर सामान को बेच रहे हैं, ये भी रिटेलर रिटेलिंग कर रहे हैं लेकिन इसका यूज कर रहे हैं इंटरनेट का, इंटरनेट के ऊपर हम सामान को बेच रहे हैं.